AWL अदानी विल्मर, अगर लॉन्ग टर्म का कोई नजरिया बनाना हो तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्या करना चाहिए? सर देखिए, AWL पे जब हमने लास्ट टाइम बात किया था, आई थिंक तब 800 780 से 760 या फिर 800 के पास ऐसा कुछ था। उस दिन क्या हुआ था ना, मेरे को आज भी याद है, एक बार लोअर सर्किट भी लग गया था। जैसे ही मैं बोलने लग गया था, उसी टाइम 2-3 मिनट के अंदर आपने देखा कि अपर सर्किट भी लग गया। तो उस दौरान क्या आया, AWL का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद हमने देखा कि वहां पे टॉप भी बनाया। टॉप बनाने के बाद AWL फिर से नीचे आ गया एंड इतना लोअर सर्किट लगाया, लगभग 19 ट्रेडिंग सेशन से नीचे आया, 19 ट्रेडिंग सेशन नीचे आया। उसके बाद AWL ऑलमोस्ट 550 के आसपास सपोर्ट बना के फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट होता है 50%, वहां से ही बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद ऑलमोस्ट 750 760 के आसपास फिर से आया। तो अभी चल रहा है 630। अभी प्रोबेबिलिटी ये कि सर आपको क्या बाय करना है, अदानी विलमार या फिर नहीं करना है, अगर आपने होल्ड किया है तो क्या करना है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि सर नाम है अदानी, कुछ ना कुछ कर ही लेगा। सेकेंड थिंग, 90% होल्डिंग प्रोमोटर के पास आज भी है। सो प्रोमोटर अभी क्या है ना, वो इतना भी पागल नहीं है कि वो मतलब आएगा यहाँ से 600 से 200 हो जाएगा, ऐसा भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, हमको ऐसा भी सोचना है और ऐसा भी सोचना है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट अभी किया तो आपको आपका जो रिस्क रेशियो एंड पोजिशन साइजिंग वो क्वांटिटी बहुत ही कम करना है। अगर आपने ATGL में भी देखा कि 500 600 से ऑलमोस्ट 1200 1400 रुपया हुआ, फिर से नीचे आया 700 800 तक, फिर से अभी 2000 के ऊपर चल रहा है। तो सर ये बोलने में बहुत ही इजी होता है, लेकिन जब आपका पोजीशन रहता है ना, वो पेन वो दर्द बहुत रहता है। सो मुझे लगता है कि सर AWL में अभी इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी हो गया, तो इसने सेबी ने इसको वो बी कैटेगरी में डाल दिया, उस इक्विटी से बी कैटेगरी में डाल दिया। सो ट्रेड टू ट्रेड वाला सिचुएशन हो गया। अगर आज आप बाई कर रहे हो तो आप 2 दिन बाद ही उसको आपका होल्डिंग में आएगा, उसके बाद ही आप सेल, मतलब इंट्राडे में कोई पोजीशन आप इसमें क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो न्यूज आया था कि कोहिनूर फूड्स के साथ कोलाबोरेशन एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली बहुत अच्छा अभी है और अदानी है। सर हमने देखा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का सेल आया है ऑलमोस्ट 54,000 के आसपास, तो उसको भी बीट कर दिया ऑलमोस्ट अदानी ने, उससे भी थोड़ा ज्यादा फर्स्ट टाइम रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट आके ही दिखा दिया। सो फंडामेंटली तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सर आपको एक बार वेट करना है, होल्ड करना है। बहुत ही हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क वाला ये स्टॉक है। अगर आप अभी इसमें फंसे हुए हो तो आप एक बार वेट कर दीजिए, वेट कीजिए। मुझे लगता है इसमें आपको एक बार रिकवरी हो जाएगा। अगर आप एंट्री लेने के लिए भी सोच रहे हो तो आपको क्वांटिटी बहुत ही कम लेना होगा, नहीं तो क्या है ना, रात को आप सो नहीं पाएंगे। रात को 3 बजे भी लगेगा कब 9:15 को कब मार्केट ओपन होगा, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो अच्छा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ही कम एंड प्रोबेबिलिटी है ऊपर ही आएगा। अगर नीचे चले जाने का प्रोबेबिलिटी होता तब, जब लोअर सर्किट आ रहा था 550 के भी नीचे भी चला जाता, 300 400 में तब आ जाता, लेकिन तब नहीं गया। अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताएगा तो ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी मेरे को दिख रहा है। ये राय अदानी विल्मर पे, और उसके अलावा ओवरऑल बाजार में बढ़िया स्ट्रेटेजीज, बढ़िया पिक्स,